साउथ चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में बुधवार को तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे S12 का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा मीझोंग पहाड़ी के पास रात 2 बजे हुआ, जिसमें सड़क का एक लेन 18 मीटर तक नीचे ढह गया। जानकारी के अनुसार हाईवे ढहने से 20 गाड़ियां नीचे गिर गईं। इनमें 54 से ज्यादा लोग सवार थे और घटना की जानकारी मिलने पर 500 राहत कर्मियों से बचाव कार्य संभाला। चीन सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि हादसे के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। यह हाईवे ग्वांगडोंग को फुजियान प्रांत से जोड़ता है।